अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, सोना पंजाब और खालसा राज फुट स्टेप्स इन पाकिस्तान। खालसा राज फुट स्टेप्स लभदे होया अज मैं पहुँच गया वहाँ। सरदार महान सिंह जरई हाई स्कूल जड़ा 1806 1806 जड़ी कि खालसा राज की जड़ी खूबसूरत तरीन निशानी है, उन्होंने एक निशानी जड़ी है खालसा हाई स्कूल जड़ा है, जड़ा कि पहले तो वह नाम जड़ा सी महान सिंह जड़े कि वालद सन सरदार महाराजा रणजीत सिंह दे, वो उन्होंने नाम पर सी, लेकिन इनू बादों डिकलेयर किया गया सी खालसा हाई स्कूल और खालसा हाई स्कूल तो चेंज हुंदा ऊन एटलीस्ट जड़ा ए इस्लामिया जड़ा है वो स्कूल बन गया। पहले तो सो कि मैट्रिकुलेट तक सी, सिर्फ हाई सी, हाई तो बाद फिर ये दर्जा बदर्जा हुंदा हुंदा ऊन हायर सेकेंडरी स्कूल के उत्ते पहुँच गया। बिल्डिंग तुसी देख सकते हो कि हले तक जी है वो चमक दमक उस तरह ही बाकी है जिमें कि बाकी खालसा राज फुट स्टैप्स जड़े ने हले भी चमक दमक उन्होंने किधरे ना किधरे किसी ना किसी सूरत जी बरकरार है, उस तरह ही जी है बिल्डिंग की जी चमक दमक है। असं इन्हों सलाम कर रहे हैं स्कूल वालों कि भी इन्होंने उन्होंने हले तक जो अपने ऑल ओवर जरा स्कूल में अपनी अच्छी पोजिशन रखे और अज मेरे नाल आए हुए ने गुरप्रीत आनंद साहब। दिल्ली तो आया जी, मैं दिल्ली तो, और मैंने खुश नसीबी है कि मैं शायद मैंने उम्मीद है कि यह पॉसिबली सिख खालसा फुट स्टेप्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूट शायद यह सब तो पुराना स्ट्रक्चर होएगा 1806। तो मैं जिस वक्त रणजीत सिंह अपने आए हुए तकरीबन 7 साल ही हुए सी ते उन्होंने स्कूल इस्टैबलिश किया थी, तो एज अगर असी खालसा हाई स्कूल या खालसा एजुकेशन सिस्टम का तहरीक नू देखिए तो यह लगता है उसकी नींव होएगी शायद है पहले पहले स्कूलों में एक स्कूल जरूर, अगर असी इसको और स्टडी करांगे तो शायद लगेगा कि वन ऑफ द अर्लीएस्ट स्कूल जी। बिल्कुल यह गल जी है, मैं इन्हों गल बिल्कुल एग्री करता वा और यही गल मैं कहना चाह रहा सी कि एंशियंट स्कूलों के यह हाई सी खालसा प्राइमरी स्कूल भी इस गुजरांवाला शहर के और यदा डिग्री कॉलेज जड़ा सॉरी उस वेले तो इंटर कॉलेज से जड़ा आज के पलप के जड़ा है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला कहलांदा। मैं उत्थे भी तुहानूं लै चलांगा और उत्थे दी खासियत जिहड़ी है वो है वे कि उत्थे दे एक उस्ताद जिहड़े कि पंजाबी पढ़ाते हैं पंजाबी प्रचार करते हैं उन्हां दा नाम है कल्याण सिंह कल्याण। आओ जी असी जरा स्कूल की बिल्डिंग जिहड़ी है थोड़ी जिनी असी अंदर दिखाते चलीए, आओ ऐसी हिस्ट्री के बारे आर्किटेक्चर के खूबी जो पहले तुसी देखते हो सारा जितना भी खालसा राज के फुटस्टैप्स के जिन्हें भी मैं पहले थानू लॉट ऑफ स्कूल्स दिखा चुकिया वा जिहड़े कि खालसा स्कूल ने रावलपिंडी के ने गुजर खान के ने होर दूसरे शहर के ने, सेम बिल्डिंग वही है मेन हॉल है लैफ्ट साइड से राइट साइड से क्लासिस ने फिर अगर बरामदा चलता है और आर्ची जी खूबसूरत जी चीज़ है वो है आर्च जी कि जिन्हों जी कि मैं जाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी ये दो कॉम्बीनेशन ने कि मुगल आर्कीटेक्चर जो तुम एक्सटेंड करते हो तो वह बनता है खालसा आर्कीटेक्चर या सिख राज का आर्कीटेक्चर जो तो शुरू होता है। आओ आगाज़ स्कूल 3 जून 1806 जाए आगाज़ महान सिंह रोड बाज़ार चरण सिंह मौजूदा बाज़ार गुजरांवाला मदरसा की प्राइमरी ब्रांच अब भी वही है। इब्तदाई नाम महान सिंह ज़रई हाई स्कूल गुजरांवाला, सानवी नाम डीसी गुजरांवाला सर ब्रडनरथ के नाम पर इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट ब्रडनरथ हाई स्कूल रखा गया, बाद असा ये अदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से मौसूम हुआ। 1861 में मौजूदा हमारा जी डी रोड गुजरांवाला के का खालिद ब्लाक तमीर हुआ। 1915 में कासिम ब्लाक बतौर बोर्डिंग हाउस तमीर हुआ। 1961 में बाल ब्लाक तमीर हुआ और 1964 में तारिक ब्लाक फिर उसके बाद 1969 और 1970 सदर थाने से मुलाका ब्लाक तमीर हुआ और 1992 में हायर सेकेंडरी ब्लाक तमीर हुआ। 1 सितंबर 1993 को अपग्रेड करके गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया गया। स्कूल का कुल रकबा जो है 25 एकड़ है। अगर इस
ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹ 25 acres 25 acres ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 canal ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 canal ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 1806 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 25 acres। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਏਰੀਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੂਦਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 1806 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਮ। ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਏ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 acres ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਲੇ ਏਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚਰਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 70% ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੇਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੇਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।